आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां आयकर की कार्रवाई जारी है, तो आज भी आयकर की कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश के चार शहरों में आयकर की कार्रवाई चल रही है। अब तक 200 करोड़ के बेनामी ट्रांजैक्शन मिले हैं। छापे की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। रायपुर, दुर्ग, कोरबा और रायगढ़ में कार्रवाई जारी है। कोल स्टील और सराफा कारोबारियों पर कार्रवाई की जा रही है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आज भी आयकर की कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश के चार शहरों में आयकर ने कार्रवाई की है। अब तक 200 करोड़ के बेनामी ट्रांजैक्शन मिले हैं। कार्रवाई में 4 करोड़ कैश भी बरामद किया गया है। अभी तक आज तीसरा दिन है। रायपुर, दुर्ग, कोरबा और रायगढ़ में ये कार्रवाई चल रही है। कोल स्टील और सराफा कारोबारियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है और आज भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी तक 200 करोड़ के बेनामी ट्रांजैक्शन, साथ ही 4 करोड़ कैश भी आयकर ने अभी तक बरामद किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भूचेंद्र लगातार बने हुए। भूचेंद्र, लगातार तीसरे दिन, आज तीसरा दिन है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं आयकर की लगातार कार्रवाई जारी, एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है उद्योगपतियों के साथ। आज को लेकर क्या अपडेट अभी तक मिल पाया है, क्या कुछ अभी तक बरामद किया गया है? जी ऋतु, सूत्रों की माने तो अभी लगभग 200 करोड़ के बेनामी संपत्ति का ट्रांजैक्शन मिला है। साथ ही लगभग 4 करोड़ रुपए जब्त होने की सूत्रों से जानकारी आ रही है, क्योंकि 35 जगहों में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, कोरबा, दुर्ग में रेड पड़ी है। तो ये रेडों में जो जानकारी आ रही है, वो 4 करोड़ के आसपास कैश बरामद हुए हैं। साथ ही 200 करोड़ के जो ट्रांजेक्शन है, बेनामी ट्रांजेक्शन है, उनकी भी जानकारी आई है। ये 35 ठिकानों पर एक साथ चल रही, जिसमें 25 जगह पे इनकम टैक्स की छापे चल रहे हैं और 10 जगहों पे सर्वे चल रहा है। ये तीसरा दिन है जो लगातार अभी इनकम टैक्स की रेड चल रही है। ये सारे कारोबारी कोल से जुड़े हुए हैं, लोहा व्यापार से जुड़े हुए हैं, सराफा व्यापार से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट व्यापार व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इनका जो लिंक पहले भी कह रहे थे कि यूपी में जो रेट पड़ी थी उससे जोड़ के देखा जा सकता है, उसी से इनके तार जुड़ते नजर आ रहे थे। यूपी में जब इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी तो कहीं ना कहीं इनके जो सूत्र थे वो कनेक्ट हो रहे थे छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ के जो सारे कारोबारी उनके ठिकानों पर एक साथ करीब 150 से 150 के आसपास कर्मचारी, इनकम टैक्स कर्मचारियों ने एक साथ धावा बोला और एक ही साथ सुबह 5 बजे से वहां पे इनकम टैक्स की रेट पड़ी है और अभी भी इनकम टैक्स की रेट जारी है। रितु जी, बिल्कुल जिस तरह से भूचेंद्र हम देख रहे हैं कि आज तीसरा दिन है कार्रवाई की, एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश से जोड़कर तो देखा ही जा रहा है, लगातार हम इस पर नजर भी बनाए हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा गया, सपा नेताओं के घर पर, उनके ठिकानों पर कार्रवाई हुई, बड़ी संख्या में समर्थक भी वहां पर जुटे और पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी उनसे जूझने के लिए, क्योंकि विवाद की स्थिति भी बनती दिखी। रायपुर में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जिन चार ठिकानों पर, चार जगहों पर कार्रवाई की जा रही है, कई ठिकानों पर, वहां भी क्या ऐसी कोई स्थिति बनती नजर आई अभी तक? जी ऋतु, ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं बन रही, क्योंकि ये राजनीतिक दल से नाता तो है लेकिन ये राजनीति नेता नहीं है। ये सारे कारोबारी हैं, कारोबारियों के घर में इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है, जिसके चलते इनके घरों के बाहर कोई अभी पहुंचे नहीं। इवन मीडिया को भी थोड़ी देर तक अगर विजुअल बनाना है, कवरेज करनी है, तो उसके बाद यहाँ से हटा दिया जाता है। तो काफी सिक्योरिटी के साथ इनकम टैक्स यहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। और सूत्रों की माने तो जो 200 करोड़ के बेनामी ट्रांजेक्शन, इनकी भी अभी तक कोई इनकम टैक्स के अधिकारी पे कोई पुष्टि नहीं किया गया है, खाली सूत्रों से जानकारी मिल रही। साथ ही जो 4 करोड़ रुपए बरामद हुए उनकी, वो भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो ये एक बड़ी बात है कि इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार तीसरा दिन है, उसके बाद भी अभी कुछ बता नहीं रहे और ये कार्रवाई सूत्रों की माने तो आगे 1 या 2 दिन और चल सकता है कई ठिकानों पर। ऋतु, ये बड़ी कार्रवाई है छत्तीसगढ़ के लिए। एक साथ 25 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे अभी भी चल रहे हैं और 10 ठिकानों पर सर्वे का काम चल रहा है। तो ये बड़ा रेट है छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स का।
जी बिल्कुल भूचेंद्र, आप बने रहे, आपके पास फिर लौटेंगे। तो यानी कि एक साथ कहें तो अगर 35 ठिकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है, जहां 25 पर आयकर विभाग ने छापा मारा है, तो वही 10 ऐसे ठिकाने हैं जहां अभी भी सर्वे की कार्रवाई जारी है। यानी कि एक बड़ी कार्रवाई आज तीसरा दिन है और आगे भी चलने के आसार जताए जा रहे हैं।